अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड है ये होता क्या है। ये देखिए, अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएँ होती हैं ये। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर रेखाएँ, लैटिट्यूड होता है अक्षांश रेखाएँ। ठीक है, यदि आप ग्लोब को क्षैतिज अवस्था में दो बराबर भागों में काटते हैं तो इस पर एक बनी काल्पनिक रेखा होती है, भूमध्य रेखा, जो कि इक्वेटर कहते हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी के दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, विषुवत रेखा जो होती है। ठीक है, और ये जो होती है, ये विषुवत रेखा ध्रुवों तक स्थित विभिन्न समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएँ, समांतर रेखाएँ कहा जाता है, जिसे आप पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, हमने पढ़ा था कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा था, आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल के बारे में आपने पढ़ा था। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये मकर रेखा होती है, और आर्कटिक सर्कल ये क्या होता है, आपका आर्कटिक व्रत होता है और अंटार्कटिक व्रत होता है, जो कि 66.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आप इनकी जो एक्सरसाइज है वो निकाल लें अपनी अपनी बुक में। ठीक है, तो हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए सेकंड चैप्टर है बच्चों। फर्स्ट है आपका, देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज एट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.1/2 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। तो देखिए क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है, द डैश इज अ लार्जेस्ट पैरेलल्स इक्वेटर। नेक्स्ट है, द डैश जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो टॉरिड जोन। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन। ठीक है, देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए, फिलअप्स करते हैं हम। द डैश इज एन एट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.1/2 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। तो इसमें देखिए, अंटार्कटिक सर्कल फर्स्ट, सेकंड में क्या आएगा, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये जो आपको नहीं दिए हुए हैं ये आपको खुद से सर्च करनी। देखिए हिंट जो है, द हीट जोन ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा जोन कहलाता है, हीट जोन जो होता है सबसे ज्यादा, है ना। ये देखिए हिंट जो है आपको यहीं पे मिल जाएंगी इसकी। सेकेंड में अंटार्कटिक सर्कल आएगा। थर्ड में, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अ लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लें, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको इसके क्वेश्चन और मैचिंग्स कराए जाएंगे।